नमस्कार साथियों, सेल्फ हेल्प यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे 11 से लेकर 20 तक के पहाड़े जो हम पहले सीखे हुए 2 से 10 तक के पहाड़े से किस प्रकार से बनाए जाते हैं। मैंने 2 से 10 तक के पहाड़े पहले बनाना सिखाया था गिनती के द्वारा, उसका मैं लिंक थी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से हम 2 से 10 तक सीखे हुए पहाड़ों से हम अगले पहाड़े बनाते हैं, आइए हम जानते हैं। अब देखिए, मैं जैसे पहाड़ा बना रहा हूँ मैं इस प्रकार से जाती हूँ। ये जैसे बारह है, ये बारह का पहाड़ा किस प्रकार से लिखेंगे, इसमें साथियों अपने क्या करना है, इसमें एक आ रहा है, ये एक है और ये आपका दो है, आप क्या करेंगे इधर एक की गिनती लिख देंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये 10। उसके बाद साथियों इसमें क्या है, दो है, तो आप यहाँ पर दो का पहाड़ा लिखेंगे, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीय छः, दो चौक आठ, दो पंजे 10, दो छक्के 12, दो सात 14, दो आठ 16, दो नौ 18, दो दे 20। देखिए साथियों, ये पहाड़े आपको आते हैं, इन्हीं पहाड़ों से हम सीखते हैं कि बारह का पहाड़ा किस प्रकार से बनाया जाता है। तो देखिए, इसमें से हमें एक लेना है, इधर से दो लेना है, हमेशा पहले इकाई की संख्या लिखनी है आपको, बारह में दो लिखना है, इधर से एक लिखना है, इसको हम बोलते हैं बारह एकम 12। अब उसके साथ देखिए आगे आएगा अपने पास ये चार है और इधर से अपना दो आएगा, बारह दूने 24। फिर आगे यहां से लेते हैं 6 और इधर से लेते हैं 3, बाहर दी है 36, ये आपका 36 आ गया। उसके बाद ये आपके पास 8, इधर से आपका हो गया 4, बाहर चौके 48। यहां से मैं 0 लेता हूं साथियों, यहां आपका एक 10 में से 0 ले लिया, एक बच गया, इसको हासिल, ये हासिल है, इस हासिल को हमें इस 5 में जोड़ना है और यहां लिखना अपने को 5 1 6, ये हो गया 12 5 60। यहां से मैं अब इसको लेता हूं, यहां से मैं 2 ले लेता हूं और ये यहां पे एक हासिल का वापस बच गया, इसको मैं इस 6 में जोड़ता हूं तो अपने पास हो गया 7, ये बेहतर हो गए। यहां मैं वापस 4 ले रहा हूं, फिर हासिल का एक बच गया, अपने पास 7 में से एक जोड़ देंगे, ये 8। यहाँ 6 है, 6 लिख दिया मैंने और इस 8 में एक और जोड़ा, अपने पास 9 हो गया, और यहाँ 8 है, 8 मैंने लिखा, ये हासिल का एक बचा हुआ, इसको इसमें जोड़ेंगे, 9 और 1 10 हो जाते हैं, ये आपके पास 108 हो गए। अब यहाँ 20 है, 20 का मैं यहाँ 0 लिख रहा हूँ, आपके पास हासिल के 2 बचे हैं, 2 को इस 10 में जोड़ना है, 2 को 10 में जोड़ते हैं, अपने पास आते हैं साथियों 12। इस प्रकार अपने पास साथियों 12 का पहाड़ा बन के तैयार हो गया। देखिए 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तीये 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छक्के 72, 12 सात 84, 12 96, 12 9 108, 12 10 120। हाँ तो साथियों, इसी प्रकार मैं आपको 13 का पहाड़ा बनाना सिखा रहा हूँ। इसमें देखिए आप, देखिए इसमें 13 में आपका 1 और 3 है, एक ही गिनती मैंने लिखी हुई है, उसी प्रकार 3 का पहाड़ा भी मैंने लिखा हुआ, आपको भी साथियों याद होगा, मैं ऐसा करूँ आपको ने याद कर लिया होगा जो मैंने पहले सिखाया था। अब इसी से मैं 13 का पहाड़ा बना रहा, देखिए यहाँ से 3 लेने हैं, पहले इधर से लेने हैं, फिर इधर से लेने हैं, ये आपका 13 हो गया, यहाँ से 6 लेने हैं और यहाँ से 2 लेने हैं, यहाँ से 9 लेने हैं, यहाँ से 3 लेने हैं, यहाँ से साथियों आप देखिए ढाई तक की संख्या आ गई, इसमें से आपको पहले 2 लेने हैं और यहाँ आपका एक हासिल का बच गया, इसको 4 में जोड़ेंगे, ये आपके 5 हो गए। यहाँ फिर यहाँ से 5 लिए आपने, यहाँ एक हासिल का बच गया, इस एक को इस 5 में जोड़ेंगे, ये आपके 65 हो गए। अब यहाँ से साथियों क्या होता है, यहाँ पे 8 है आपका, ये 8 ले लिया, एक हासिल का बचा, 6
छः में एक जोड़ दिया, ये आपका सात हो गया। अब इसमें आपका एक है, ये एक लेते हैं, यहाँ से आपके पास दो बचते हैं, इस दो को आप सात में जोड़ेंगे, सात में दो जोड़ेंगे तो आपके हो गए नौ। और इसके बाद ये आप चार लेते हैं, ये चार, और यहाँ से आपके पास दो है, दो को आठ में जोड़ेंगे तो आपके पास दस, ये एक सौ चार, ये सात लिया, यहाँ दो है, दो को नौ में जोड़ेंगे, ये आपके पास ग्यारह है, एक सौ सत्रह हो गए। यहाँ से मैंने जीरो लिया और ये तीन हासिल के बच गए आपके पास, इसको दस में जोड़ा तो साथियों ये आपका एक सौ तीस हो गया। इस प्रकार से अपना तेरह का पार्ट बनकर कंप्लीट हो गया। देखिए साथियों, तेरह कम तेरह, तेरह दूना छब्बीस, तेरह किया उनचालीस, तेरह चौके बावन, तेरह पंजे पैंसठ, तेरह छः अठहत्तर, तेरह सत्तर इक्यानवे, तेरह अठ एक सौ चार, तेरह नंबर के एक सौ सत्रह, तेरह दाए एक सौ तीस। हाँ तो साथियों ये बहुत ही आसान विधि है, ठीक है, इससे आप आगे के पावड़े आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको हमारा तरीका अच्छा लगे है तो एक लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।